ऑल राइट चल दिए हम लोग। ओ वाह 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 मजा आ गया। ओए ओए गजब। ये ब्लू ब्लू में ना फुल ड्रेस पहन के आया है और इस बार बॉल बाउंड्री के पार और पहुंच गया चार रन। राइट तो दूसरी बॉल के लिए तैयार और अब क्यों मारेंगे उठा के पोस्ट। ये मार दिया वॉलीबॉल ग्राउंड में। इधर देख रहे हैं पूरा एकदम लग चुका है बूफे और देखते हैं कि लंच में क्या क्या है। तो देखिए पूरा इधर आराम से सो गए हैं और केमल हमारा इधर देख रहे हैं चल रहा है और इसका अलग ही आनंद है। जैसलमेर हम लोग जाने वाले थे लेकिन नहीं गए तो आपको यहीं से केमल राइड हम दिखा दिए। नमस्ते जी, मेरा नाम है संदीप कुमार भारती। आज है 2 फरवरी 2023 और स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। आज हम आ चुके हैं लोहागढ़ फॉर्म। यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पीछे लोहागढ़ फॉर्म है और ये पड़ता है गुड़गांव में। आज हम लोग इस फॉर्म को एक्सप्लोर करेंगे। आगे से कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ पे रखा हुआ है ट्रैक्टर और यहाँ पे भी एक ट्रैक्टर और यहाँ पे एक शो के लिए कार है ना। फोटो क्लिक कर सकते हैं आप लोग और यहाँ पे अब हम लोग का होगा वेलकम। देख रहे हैं अभी देखिए एंट्री कर सकते हैं। स्वागत हो गया हम लोग का। अब हम लोग कर रहे हैं एंट्री इसमें और कुछ अंदर से एकदम देख रहे हैं गांव वाला एकदम फीलिंग आ रहा है यहाँ पे। और इधर चलिए अब चलते हैं। यहाँ पे है भाई सिलाई मशीन और ये देखिए पूरा यहाँ पे दो लोग खड़े हैं, स्टैचू है और यहाँ पे हुक्का के लिए रखा हुआ है और यहाँ पे पुराने जमाने का टीवी है, फिर लिखा है राम राम जी है ना। और यहाँ पे एक बड़ी सी घड़ी भी लगा हुआ है अब देख रहे हैं यहाँ पे और पूरा सजाया हुआ है। और यहाँ पे है टिकट का और आपका फूड है जो इसी टिकट में इंक्लूड होगा। देख रहे हैं 3 से 4 फीट का जो बच्चा होगा ना उसका 700 रुपये का है, 4 फीट से जो बड़ा होगा ना उसका 1250 है और ये सब एक्टिविटी इसमें इंक्लूड है। और टिकट काउंटर ये रहा, यहाँ पे स्कूटर है, बाकी यहाँ पे एटीवी बाइक है और ये देखिए रिक्शा गजब। और यहाँ पे है एक और बाइक और ये है राजदूत, अभी भी हमारे घर पे है, चलती नहीं है और इसी से मैंने बाइक चलाना सीखा है तो याद आ गया इस बाइक को देख के। बाकी इस बाइक पे लिखा हुआ है लोहागढ़। और ये देखिए यामा है, यामा की बाइक है, ये भी मैंने चलाया हुआ है और ये है बुलेट ठीक। और यहाँ पर है ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे कि शोले की बाइक देख रहे हैं यहाँ पर, शोले फिल्म में दिखाया गया है। एंट्री करने में ऐसा दिखता है लोहागढ़ फॉर्म अंदर से। देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है पनघट कुआं बनाया गया है, देखते हैं कुआं में पानी उनी है कि नहीं। हाँ महाराज पानी तो है इसमें और पता नहीं कितना गहराई है ये मुझे नहीं पता है। और यहाँ पे है डीजे हॉल, म्यूजिक बजवा के खूब नाच सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। इधर ट्रैक्टर है, यहाँ पे आप बैठ के फोटो क्लिक कर सकते हैं। और ये रही बैलगाड़ी का और ये देखिए ये कुछ अलग है, देख रहे हैं ये कुछ अलग है, इसमें आराम से आप बैठ के एकदम फोटो क्लिक करवाइए। देखिए ड्राइवर साहब कहने वाला हो ये वाली जो है ना ये जनरेटर वाली गाड़ी, ये हम लोग के गांव में भी है और इस पे हम बैठे भी हैं। इसमें हम लोग के गांव में जब हम रहते हैं ना तो वहाँ पे पेठारी उठारी लाद के लाते हैं, मतलब जो भी सामान गाय का चारा हो गया वो सब लाद के लाते हैं इस पे। बाकी उधर केमल है, केमल राइड अभी हम लोग करेंगे। अब चलते हैं केमल राइड करने के लिए। यहाँ पे देख लीजिए 4 केमल है महाराज, देख रहे हैं यहाँ पे जिंदगी में पहली बार केमल राइड करेंगे। आगे बैठे कि पीछे? कहीं बैठ जाओ। तो हम आगे बैठते हैं, यहाँ पे 2 आदमी का सीटिंग है, बाकी हमारा केमल रहा। और चलिए जनाब गजब, जैसलमेर में आ गए हम लोग राजस्थान में, गजब वाह। तो ये हमारा भैया केमल को ले चल रहे हैं, बाकी अच्छा लग रहा है महाराज। ओए ओए ये देखिए केमल राइड गजब, पहली बार बैठे हैं केमल पे। चलिए जी तो ये देखिए इधर है केमल और केमल के ऊपर भालू है, देख रहे हैं। तो हमारा राइड पूरा एक राउंड हुआ वहाँ से लेकर इधर करके और इधर हम लोग आ चुके हैं। अब ये आ गया उतरने के लिए और गजब। ओए ओए अब हम उतरते हैं इस पे ऐसे, हाँ वेरी गुड। ये देखिए पूरा इधर भी केमल है और इधर भी केमल है। तो यहाँ पे आ गए, यहाँ से हम लोग करना है जीप लाइन है ना भैया। हाँ। और पहली बार कर रहे हैं, मनाली भी गए थे तो नहीं कर पाए और ये पहला जीप लाइन एक्सपीरियंस है तो देखते हैं। गोप्रो दीजिए महाराज, हाँ गोप्रो लेके जाएंगे, ये वाला बड़ा वाला कैमरा लेके नहीं जाएंगे। चलते हैं देखते हैं कुछ ऐसा दिखता है।
और 100 मीटर है ना, 100 मीटर का जिप लाइन होने वाला है। ऑल राइट, चल दिए हम लोग। वाह 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 वाह, मजा आ गया। ओए ओए, गजब। ओह, यहाँ पे आप खोलेंगे, यहाँ पे खुल गया और हम लोग का हो गया जीप लाइन कम्प्लीट। जीप लाइन तो कर लिए, पहला एक्सपीरियंस था, काफी अच्छा रहा। ये रहा कुछ इनका ग्राउंड, और इसमें है क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, और इधर कुटिया बनाया हुआ है, इसमें आप रेस्ट कर सकते हैं अगर ज्यादा आपको धूप लग रहा है तो। खटिया भी है इसमें, और पानी पीने के लिए भी उधर है। बाकी अभी खेलते हैं हम लोग क्रिकेट। तो बैट ले लिए है, क्रिकेटर बनने का शौक था। पहली बॉल आ रही है, ब्लू ब्लू में ना स्कूल ड्रेस पहन के आया है, और इस बार बॉल बाउंड्री के पार और पहुंच गया 4 रन। हाँ, आइए जनाब। कैसा लग रहा है? तो अच्छा लगा है, एकदम अच्छा लगा है हमको, बहुत ही अच्छा लगा है। और जानते हैं मारे हैं अब की पूरा उधर चौका चल गया है, तो दूसरी बॉल के लिए तैयार। और अब क्यों मारेंगे उठा के फर्स्ट, और अब क्यों मारेंगे उठा के फर्स्ट। ये मार दिया वॉलीबॉल ग्राउंड में, तीसरा बॉल और ये हो गया आउट। आउट कहां से आउट? तो फिर एक बार हम तैयार हैं, और बॉल आ रही है। अब की स्लो स्लो मारेंगे, देखिए बैट बॉल खेल के हम लोग अभी कर रहे हैं कुटिया में रेस्ट। देख रहे हैं यहाँ पे चरपाई लगी है, गांव में हम लोग खटिया कहते हैं। जब हम लोग एंट्री किए थे ना, तो वेलकम ड्रिंक में हम लोग को मिला था नींबू पानी और छाछ, ऑप्शन होता है, दोनों में से कोई ले सकते हैं। अभी हम कुछ एक्टिविटी करके आ चुके हैं इधर, जहाँ पे चाय, पकौड़ा, राबड़ी, जलेबी है वहाँ पे। तो अभी हम इधर देख रहे हैं, गुलाब जामुन लिए हैं, बाकी राबड़ी जलेबी लिए हैं इधर, और पकौड़ा है ठंडा, तो उनसे बोल दिए हैं कि गर्म करिए महाराज, तब ना खाएंगे हम लोग। तो पकौड़ा गर्म हो रहा है, तो ई खाते हैं, उसके बाद कुछ एक्टिविटी करेंगे। उसके बाद लंच का टाइम होगा ना, 1 से 3 बजे है लंच का टाइम, तो लंच करेंगे हम लोग। यहाँ पे देख रहे हैं पूरा सजावट हो रही है, और कुछ बैठने के लिए यहाँ पे ऐसे बनाया गया है, लेकिन मज़ा आ रहा है, गाना भी बज रहा है पीछे। ये देखिए राबड़ी जलेबी है, अब इसको टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा है। तो जलेबी रबड़ी तो अच्छा है खाने में, और ये टेस्ट करते हैं गुलाब जामुन कैसा है खाने में। गुलाब जामुन गर्म है, यानी कि ताज़ा बना हुआ है अभी अभी, खाने में आपको एकदम बेस्ट मिलने वाला है क्वालिटी। बाकी खाना जब खाएंगे ना, उस समय बताएंगे कि खाना कैसा है इनका। तो ये रहा स्विमिंग पूल, इसमें आप नहा सकते हैं, हालांकि अभी इसमें पानी नहीं है क्योंकि ठंडा का मौसम है ना, गर्मी के दिन में आप इसमें नहा सकते हैं, और बच्चों के लिए उधर है ना, अगर बच्चा भी स्विमिंग करना चाहे तो वहाँ पे कर सकता है। तो ये है एक एक्टिविटी कमांडो वाला है ना, तो इसमें हम चढ़ते हैं, नाम तो नहीं पता है लेकिन इसमें हम चढ़ते हैं, और पूरा उधर से उतरना है, ठीक है। तो ये रहा अब इस पे है, इसको पकड़ के ऐसे ऐसे, गजब वाह। और यहाँ पे है हम लोग का देश का झंडा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और गजब। अब यहाँ से हम इसको उतर जाएंगे, तो उतरने का कैसे ये तो नहीं मुझे पता। अब इधर से भी मैं उतर सकता हूँ, ऐसे करके भी मैं उतर सकता हूँ, और ये देखिए हमारा तो पाँव बड़ी लामा लामा है महाराज, एकदम जल्दी जल्दी उतरेंगे, और ऐसे करके थोड़ा पीछे मुझे फानते हैं। जब यहाँ पे पूरा और भी एक्टिविटी है, आप कर सकते हैं। तो अभी जो ट्रैक्टर का टायर वाला है ना, इस पर चलिए, एकदम आसान है महाराज, पॉइंट हमारा टाइट है। चलिए लप रहा है बीच में यो, और ये देखिए हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर में लेके चलते हैं। ये पहली बार ऐसा हेलीकॉप्टर देखे हैं महाराज, और इसमें स्टेयरिंग भी है। तो हम बैठ चुके हैं कैप्टन संदीप कुमार भारती, अब इस हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाले हैं कैप्टन संदीप कुमार भारती। बाकी पीछे हमारा इंजन देखिए कैसा है। यहाँ पे मदारी का खेल दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं। और ये साइकिल का रिंग है, और उसके ऊपर भैया रॉड रखे हुए हैं। अब देखिए भैया क्या करते हैं, इस पर चल के दिखाएंगे लग रहा है मुझे। ओहो गजब, भैया पीछे चल के दिखाएंगे।
आप देखिए अब इसको झूला दिखा रहे हैं। तो मदारी वाले भैया ने क्या दिखाया, गजब यार, टैलेंट है भाई, उसी को कहते हैं कला। तो अभी हम आ चुके हैं आर्चरी करने के लिए। ईओडी एडवेंचर पार्क जो है ना, उसमें हम आर्चरी किए हैं। अभी जरूरी है कि निशाना एकदम करेक्ट लगेगा कि नहीं। और हाँ, ईओडी एडवेंचर पार्क में बहुत जल्दी जाने वाले हैं हम लोग फिर से। और चलिए हम देखते हैं। ओए इका, चलिए ये दूसरा का है हमारा, ठीक है। और ओए होए हरा वाला पे हम मारे हैं, वो भी गिर गया। इसमें बहुत सारी गेम है, आप खेल सकते हैं। आ गया लंच कबाड़ी, इधर देख रहे हैं पूरा एकदम लग चुका है बुफे। और देखते हैं कि लंच में क्या क्या है। यहाँ चार मिर्चा, नींबू, खीरा, टमाटर, प्याज, मूली, लहसुन की चटनी, पुदीना की चटनी, और यह है नमक। तो ये रही राइस, दाल तड़का, छोले की मिक्स वेज की सब्जी है, शाही पनीर है, मटर मशरूम, कड़ी पकौड़ा, रोटी नान, बूंदी रायता, रसगुल्ला, और ये रहा नूडल्स, वहाँ से आप पानी पूरी खा सकते हैं। और ये रहा कुछ सीटिंग ऐसा है, यहाँ पे आराम से आप बैठिए। देखिए पूरा लोग यहाँ पे अभी लंच कर रहे हैं। खाना लेके अभी मैं आ चुका हूँ। खाना तो अनलिमिटेड है, आप कितना भी ले सकते हैं यहाँ पे, लेकिन खा जाइएगा, वेस्ट मत करिएगा। ये देखिए, ये रहा पूरा थाली हमारा भर चुका है। मैं टेस्ट करके बता देता हूँ। ये देखता हूँ मटर मशरूम, मटर मशरूम भी ठीक है। शाही पनीर अब देखते हैं। शाही पनीर मैंने नहीं लिया है, राहुल भैया में, तो इधर से मैं लेता हूँ। ये देखता हूँ, मैं एक चीज देख रहा हूँ यहाँ पे, मतलब मसाला का प्रॉपर यूज किया गया है, क्योंकि यहाँ पे हर तरह के लोग आते हैं ना, किनको ज्यादा चाहिए किन्हीं को कम चाहिए, तो मीडियम है मसाला, प्योर वेज है यहाँ पे, आपको नॉन वेज नहीं मिलने वाला है। तो ये भी बात एक बढ़िया है। वाकई में खाना भाई साहब अच्छा है, आप आके यहाँ पे खा सकते हैं, घूम सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। लोहा और फॉर्म अच्छा है। हाँ, स्पॉन्सर नहीं है वीडियो के, हम लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं, हम लोग अपने पैसे से आए हैं भाई साहब घूमने के लिए। अभी एक दो फार्म हाउस और है यहाँ पे, उसको भी बाद में एक्सप्लोर करेंगे हम लोग, है ना। यहाँ का भी एक्सपीरियंस अच्छा रहा। खाना खा के हम लोग आ चुके हैं केमल कार्ट राइड करने के लिए। देख रहे हैं ये है केमल ऊंट है, और इधर देखिए ये जैसे बैलगाड़ी में नहीं होता है वैसे ही है। केमल राइड हम लोग किए थे, और ये केमल कार्ट राइड है ना, और इस पर हम बैठते हैं। जय हो, चलिए साहेब, गजब होए। वहाँ पे बैल वाला भी है, देख रहे हैं वहाँ पे, वो भी आप कर सकते हैं। ये गार्डन देखिए, इस गार्डन का हमें गजब, इधर आराम से सो गए हैं, और केमल हमारा इधर देख रहे हैं चल रहा है, और इसका अलग ही आनंद है। तो हमको लग रहा है राजस्थान में आ गए हैं। पूरा एक राउंड होता है गोल करके, ये लोग घुमाते हैं। अभी हम ही दो लोग हैं, देख रहे हैं यहाँ पे, आप आएंगे इस पर बैठिए और इंजॉय करिए। देखिए हम लोग का राउंड लगभग ख़त्म ही होने वाला है। और इधर है बैल, बैल का भी आप सवारी कर सकते हैं, हालांकि हम लोग नहीं करेंगे। एक बार आपको इधर से दिखा देते हैं, राइड तो ख़त्म हो गया। ये देखिए ये केमल, जैसलमेर हम लोग जाने वाले थे लेकिन नहीं गए, तो आपको यहीं से केमल राइड हम दिखा दिए। भले ही यहाँ पे रेत नहीं है, लेकिन ये भी ठीक है। अब करते हैं हम लोग ट्रैक्टर राइड, देख रहे हैं यहाँ पे ट्रैक्टर है, देख सकते हैं सेटिंग है ना। ओए होए, और बैठ जाते हैं पहले। और गांव में तो कितना हम लोग ट्रैक्टर राइड किए हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं टेल्ला, और काफी अच्छा लग रहा है। ओए होए, यहाँ पे देखिए पूरा सबको है, और उधर था गेहूँ, यहाँ से हम लोग किए थे जिप लाइन, और क्रिकेट है वहाँ पे, पूरा गांव वाला फीलिंग आ रहा है यहाँ पे जी। ट्रैक्टर राइड तो मैंने कर लिया, और गांव वाला याद आ गया सीन यार, गांव में हम लोग कितना ट्रैक्टर पे बैठे हुए हैं। और यहाँ पे देखिए जीप लगी है, इस जीप के साथ आप फोटो क्लिक करा सकते हैं। ये देखिए रेड कलर की है, गजब। और यहाँ पे है पार्टी हाउस, देख रहे हैं अगर आपको पार्टी करना है, यहाँ पे एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना है तो कर सकते हैं, बर्थडे कुछ भी। और ये देखिए टेम्पू। ऑलरेडी लोहागढ़ फॉर्म का ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, यहाँ पे हम लोग खूब इंजॉय किए। बात करें खाना की, तो खाना भी अच्छा था इनका। हम लोगों ने एक दो चीज़ नहीं दिखाया, जैसे कि हेड मसाज हो गया, मेहंदी हो गया, मेहंदी भी आप लगवा सकते हैं, सब टिकट में ही इंक्लूड रहता है। और हमने पे किया है 1100 रुपया, लिखा था 1250, लेकिन हम लोग पूछे कितना हुआ, तो उन्होंने दो जन का 2200 रुपया लिया। तो ये कुछ आपको बैंड दे देते हैं कि अगर आपको यहाँ पे आना है, तो आप मैप में डालिए लोहागढ़ फॉर्म गुड़गावा, आप लोकेशन देकर आ जाएंगे। और यहाँ पे ना आप अपना पर्सनल गाड़ी आएंगे तो अच्छा रहेगा। और हाँ, 2023 का मेरा पहला ब्लॉग था, काफी लेट शुरू हुआ, जनवरी पूरा बीत गया। आने वाले ब्लॉग में हम लोग और फार्म हाउस में जाएंगे, विजिट करेंगे। तो इस वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त। थैंक यू सो मच।